हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज का वीडियो केतु की महादशा के ऊपर है। और केतु की महादशा का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो मेरा वीडियो है केतु योर डीएनए एंड सक्सेस, उसमें मुझे एक कमेंट आया था और उसमें ये लिखा था कि आप केतु की महादशा से निकली नहीं, इसलिए आपको ये पता नहीं केतु क्या चीज़ है। तो आज ये वीडियो मैं इस चीज़ के ऊपर बनाना चाहती हूँ जहाँ लोगों को महादशा जब केतु की स्टार्ट होती है उससे बहुत ज्यादा डर लगता है। लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आए, और बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं चैलेंजेस आए और आते भी हैं। मैंने दोनों तरह के चार्ट देखे हैं जिसमें केतु की महादशा चल रही है और इंसान ने बहुत तरक्की की है, बहुत हाई लेवल पर गया है। अब यहाँ पर डिफरेंस आएगा, केतु 4th हाउस में, राहु 10th हाउस में है या किसी दूसरे हाउस में, लेकिन मैंने सेम ये जो पोजीशन है केतु 4th हाउस में और राहु 10th हाउस वाली जो पोजीशन के दोनों तरीके के चार्ट देखे हैं, जिसमें कुछ तो बहुत ऊपर चले गए राहु केतु की महादशा में और कुछ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, इवन घर भी स्प्लिट हो गए। तो व्हाई इट हैपेंस, क्यों ऐसा होता है कि किसी एक को अच्छा फल मिल गया, किसी एक को खराब फल मिल रहा है। अब देखिए, ये जो बोला था ना मेरे को वीडियो में कि आप दशा से नहीं गुजरे, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हर एक प्लैनेट की अपनी एक एनर्जी होती है, फिर चाहे वो राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो, शुक्र हो, बुध हो, सूर्य हो, चंद्र हो, कोई भी प्लैनेट रहने दीजिए, हर प्लैनेट की एक एनर्जी है। अगर आप बोलते हैं राहु की महादशा, केतु की महादशा, शनि की महादशा बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, तो क्या गुरु की बहुत ज्यादा अच्छी होती है? और लोग की एक एक जो मेंटालिटी है ना, वो यही है कि जब गुरु की महादशा है, अरे वाह, आप तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन आप भरोसा करो, गुरु की महादशा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पेन से गुजरे हैं। उनके गुरु उच्च के होने के बाद भी उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। तो ऐसा नहीं होता कि गुरु की महादशा है तो हमको अच्छा ही अच्छा मिलेगा, केतु की महादशा है तो सिर्फ खराब मिलेगा, ऐसा नहीं होता। हर प्लैनेट की एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी के हिसाब से अगर आपने अपनी एनर्जी को मोल्ड कर लिया तो आपको उस प्रॉब्लम से नहीं गुजरना पड़ता, चाहे फिर वो किसी की भी महादशा हो, गुरु की हो या फिर वो केतु की हो। आज हम बात करेंगे कि राहु और केतु जो है ना, उसी एक्सिस पर किसी भी मनुष्य का जीवन है। अब आध्यात्मिक स्तर से देखो तो आसक्ति और विरक्ति की ये लड़ाई है। राहु आपको क्या दिखाता है? किसी भी चीज में आसक्त होना, आपको इंडल्ज होना, आपके तरफ इस तरीके की मटेरियलिस्टिक चीजें लेके आना, एक इल्यूजन क्रिएट करना, उनकी तरफ आपके बहुत ज्यादा हैवी डिजायर क्रिएट करना, वो राहु का काम है। वहीं उसके ऑपोजिट क्या होता है? केतु। केतु आपको विरक्त कराता है, केतु आपको चीजों से डिटैच कराता है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जिस हाउस में केतु बैठा हुआ है और जब केतु की महादशा चली, केतु के साथ सिर्फ महादशा तो चलेगी नहीं, केतु में केतु की पहले अंतरदशा चलेगी, फिर उसके बाद दूसरे प्लैनेट्स की सीक्वेंस में अंतरदशाएं आती जाएंगी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि केतु की महादशा 7 साल की होती है सेम रिजल्ट लेके आती है? ऐसा नहीं होता। केतु को मोक्ष कारक प्लैनेट बोला गया है। आप एक चीज भी समझो, जब आप एस्ट्रोलॉजी की बात करोगे तो 6, 8, 12 इन 3 घर को सबसे ज्यादा खराब घर बोला गया है, और उसमें 12th जो हाउस है, मतलब 12वां जो भाव है, वहां ही केतु का जो प्लेसमेंट है वो मोक्ष कारक बताता है। क्यों? अगर वो खराब है तो मोक्ष क्यों? और सबको तो मोक्ष की इच्छा है ना, हर कोई यही चाहता है हमको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो वो सबसे खराब घर केतु को मिल गया और केतु वही मोक्ष कारक होता है। कुछ तो इसके पीछे कारण होगा। हर इंसान के जीवन में सिर्फ आसक्ति और विरक्ति की लड़ाई है। हम किसी चीज में इतने इंडल्ज हो जाते हैं और हमको समझ में ही नहीं आता हमको क्या करना है। केतु की महादशा बहुत क्लियरली आपको ये बोलती है कि दिस इज द टाइम यू हैव टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन टू योर लाइफ। 120 साल की विषुवती महादशा में आपको केतु की महादशा से ना गुजरना पड़े, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केतु की महादशा के थ्रू जाएंगे ही जाएंगे। और स्पेशली जब उनकी लाइफ में जो क्रूशियल टाइम होता है ना, जो एकदम पीक पर होता है, जहाँ हमको अपना करियर बनाना है, हमको अपनी शादी करनी है, हमारे बच्चों का देखभाल करनी है या फिर उनको बड़ा करना है, उस चीज के लिए ना हमको मटेरियलिस्टिक चीजों की जरूरत पड़ती है। और उस टाइम अगर केतु की महादशा आ गई तो ये सबसे ज्यादा पेनफुल साबित होती है किसी ब्रेड विनर के लिए। अब अगर केतु की महादशा के थ्रू आप जा रहे हैं, आपको करना क्या है? बहुत इजी चीजें हैं जो आज मैं बताऊंगी आपको, और ये सारी चीजें देख करके आपको ऐसा लगेगा कि किसी रेमेडी की जरूरत नहीं है। आपको डेली अपने आप को सिर्फ 10 मिनट देने हैं। 10 मिनट मैं क्यों बोल रही हूँ, 10 मिनट भी अगर आप मेडिटेशन करते हो तो केतु की महादशा में आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे। देखो क्या होता है ना, केतु बहुत सूक्ष्म चीज को बताता है, माइक्रो जो पार्टिकल है ना, दैट इज कॉल्ड केतु, एकदम छोटी चीजें।
और जो राहु है ना वो मैक्रो लेवल की चीजें दिखाता है, बड़ी चीजें दिखाता है। जो सूक्ष्म आत्मा है हमारी, जो सबसे छोटा जो शरीर है, वो जो हमको दिखता नहीं है, हमको सबसे ज्यादा ध्यान अपने उस सूक्ष्म शरीर का रखना है केतु की महादशा के दौरान। जिस इंसान ने अपने उस सूक्ष्म शरीर का, वो जो जीवात्मा है, छोटी सी जो आत्मा है ना हमारी, जो हमको दिखती नहीं है, उसका ध्यान रखना, उसकी आवाज सुनना सीख लिया। और केतु देखो जड़े हैं हमारी, रूट्स हैं, मतलब किसी भी चीज के अंदर जाना, किसी भी चीज के तह तक जाना अंदर। अगर आपने जिस दिन अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया, आपको समझ में आ गया कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग इन मी, मैं किस चीज से बना हूँ, क्या मेरे जीवन का पर्पस है, क्यों मेरा जन्म हुआ है, ये सारी चीजों के आंसर्स जिस दिन आपने खोजना स्टार्ट कर दिए, मिलना अलग बात है कि कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। द मोमेंट यू स्टार्टेड योर जर्नी टू फाइंड द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, आप सोच लो आपने अपने केतु को अच्छा करना स्टार्ट कर दिया। तो केतु में ना सबसे एक अच्छी चीज होती है, सम स्थिति पैदा करता है। बहुत सारे लोगों को देखा, जैसे मैंने अभी बताया मोक्ष के बारे में, व्हाई 12th हाउस इज कंसिडर्ड एज अ वेरी बैड हाउस, न क्योंकि वो लॉसेस का हाउस है, प्रॉब्लम्स का हाउस है, जेल का हाउस है, हमको अननेसेसरी एक्सपेंसेस देता है, इसके लिए हम उसको खराब मानते हैं, ठीक है। और दूसरा कैसा है, वो हाउस में केतु जाकर के आपको मोक्ष कारक हो रहे हैं। अब मोक्ष को, केतु अगर वहां पर बैठ के आपको मोक्ष दे रहे हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है सीधा सीधा कि इस इंसान को कार्य में आसक्त होने के बाद भी विरक्त रहना है, कि जो दो ऑपोजिट एनर्जी है आसक्ति और विरक्ति की, दैट इज कॉल्ड मोक्ष। जिस दिन आप किसी काम को कर रहे हो बिना इस चाहत के इसमें क्या होने वाला है, अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा नहीं होगा, उस माइंडसेट से बाहर आकर के जिस दिन आप सिर्फ अपना कर्म करने में जुट जाओगे ना, तो उस दिन आपने सोचो कि नींव रख दी अपने मोक्ष के लिए, अपने केतु को पॉजिटिव करने के लिए आपने वो एक सीड डाल दिया। अब हम बात करेंगे कि केतु की जब महादशा स्टार्ट होती है, तो केतु की महादशा में केतु की ही अंतर्दशा स्टार्ट होती है। देखो ये टाइम ना हर इंसान के लिए बहुत चैलेंजिंग है, केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा स्टार्ट होना। जब केतु की अंतर्दशा स्टार्ट हो जाएगी, सबसे ज्यादा तो आपको ना बेचैनी होना स्टार्ट हो जाएगी, रेस्टलेसनेस स्टार्ट हो जाएगी, आप खुद से ना आइसोलेटेड फील करने लगोगे, अकेलापन, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि मैं करूं तो करूं क्या, आजू बाजू में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा। केतु में जब केतु चलता है, तो ये बहुत डिफिकल्ट फेज होता है किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि वो पूरी तरीके से आपको बदलने की अभी कोशिश कर रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल फेज है। केतु हमारी पास्ट लाइफ बताता है, हमारी जड़ें बताता है। अभी यहाँ पर पता है क्या होगा, केतु की अंतर्दशा स्टार्ट होगी ना, तो आपकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स होंगे, ऐसे लोग मिलेंगे, जो काम आप पहले छोड़ के आए थे, आपका वो काम वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, उस तरीके की एनर्जीज क्रिएट होंगी, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी तो हमने कर्मास किए जिसके बेसिस पर आज हम यहाँ पर आए हैं, या फिर हमारे सामने ये सारी चीजें आ रही हैं। और मैं तो बोलती हूँ जो केतु की महादशा के थ्रू जाता है, क्योंकि हर किसी के नसीब में केतु की महादशा के थ्रू जाना नहीं है, वो लोग बहुत लकी होते हैं, बिकॉज दे हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू फाइंड वेयर एग्जैक्टली दे हैव लेफ्ट देयर पास्ट कर्मा। आपने अपना पिछला कर्मा कहाँ छोड़ा था, अब वहां से उसको स्टार्ट कर सकते हो, वो चीजें आपकी लाइफ में लाएंगे, तो आपको पता है क्या है, रेस्टलेसनेस होगी, बेचैनी होगी, क्योंकि आपका पैटर्न अभी एकदम डिफरेंट है लाइफ का। जैसे ही केतु आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, आपका पैटर्न एकदम डिफरेंट हो जाएगा, आप अलग तरीके से जीना शुरू कर दोगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आपको रेस्टलेसनेस होना स्टार्ट हो जाएगी, आप बहुत अंदर अकेला, या फिर एक कहते हैं ना डिटेच होकर के जीना स्टार्ट कर दोगे मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ। लेकिन हमारा जो मन है वो इतना आसानी से किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज से अलग नहीं होगा, क्योंकि आपको बिल्स भी भरने हैं, आपको फीस भी अपने बच्चों की पे करनी है, आपको जितने भी एक्सपेंसेस है वो भी करना है, पैसा आ नहीं रहा, वहां आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीजों को अक्यूमुलेट करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। और दूसरा क्या हो रहा है, आपका खुद का मन भी उन सब चीजों से हट रहा है, जाने दो, छोड़ो यार, जो भी है वो है, नहीं है नहीं है, अभी मैं क्या करूँ, इस तरीके की भी चीजें हो रही हैं। लेकिन चीजों की जब पैसे की जरूरत है, तो आपको वो रेस्टलेसनेस लाती है। तो इस तरीके की जब प्रवृत्तियां हो जाती है इंसान की, केतु में केतु की अंतर्दशा जब चलती है, तो इस तरीके की चीजों से जब आप जाएंगे, आपको करना क्या है, डेली मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन इज द ओनली वे। दूसरा क्या है, आप विरक्त हो जाओ सांसारिक चीजों से, होते हुए भी अपने सारे कर्मास करो, बट यू आर नॉट सपोज टू थिंक मच अबाउट इट कि व्हाई इट इज हैपनिंग। वो चीजें जो हो रही है ना, उसको जितना एक्सेप्ट कर लोगे उतना आपके लिए आसान होगा, अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर एक्सेप्ट कर लेते हो
केतु आपसे यही चाहते हैं कि भाई जिस जड़ से तुम आए हो, बोलते हैं ना बड़े बुजुर्ग, कभी भी अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए। जो इंसान अपनी जड़ों को पकड़ के रखता है वो इंसान बहुत मजबूती से आने वाले समय में खड़ा हो जाता है। तो आपको केतु यही बता रहे हैं कि अपने जो पिछले जन्म है उनकी जो जड़ें हैं ना उनको पकड़ लो, आगे आने वाली जर्नी स्मूथ हो जाएगी। लेकिन इस टाइम जो आप बहुत दो नेगेटिव एनर्जीज को फेस कर रहे हो कि आप किसी एक दूसरी एनर्जी से आए हो और एकदम सडनली आप दूसरी एनर्जी में आ गए हो। देखो मरकरी के बाद केतु आया, मरकरी इतना चुलबुलापन, फ्रेंड्स, घूमना फिरना, मस्ती करना, और कहाँ केतु जो एकदम आपको आइसोलेशन दे रहे हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस एनर्जी इज डिमांडिंग फ्रॉम यू। अब जब केतु में सूर्य की महादशा आती है तो किस तरीके के इंसान को रिजल्ट देखने को मिलते हैं? जब केतु में सूर्य आएंगे, सूर्य आपको बोलेंगे अहम, लीडरशिप, अथॉरिटी आपको अपनी चलानी, क्योंकि देखो सूर्य जो है ना वो फादरली फिगर है, फादर से कंपेयर किया गया है, ठीक है, किंग है सूर्य। आपके अंदर उसी तरीके की भावनाएं होंगी, आप अहम का, ईगो का, अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने का प्रयास करोगे। लेकिन केतु की महादशा में जब सूर्य की आएगी, आपको इन्हीं सब चीजों में प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। आपको लगेगा आपकी अथॉरिटी नहीं है, लोग आपको सुन नहीं रहे हैं, आप चीजों को लीड करना चाह रहे हो जिस तरीके से, आप चलाना चाह रहे हो, चीजें चल नहीं रही हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, दो ऑपोजिट एनर्जीज काम करेंगी। केतु मॉन्क है, सन्यासी है, सूर्य राजा है, तो ये दो ऑपोजिट एनर्जीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं तो प्रॉब्लम करती हैं। तो इस ड्यूरेशन में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपका ईगो है ना उसको सब एकदम साइड में रख दो। अगर आप अपने ईगो को पकड़ के चलोगे, देखो आपको सामने वाला आके आपका ईगो ब्रेक करे बेटर है, डोंट बी ईगोइस्टिक। सामने वाला आके आपको मना करे कि नहीं, अभी आपको इस तरीके की चीजें नहीं करनी है, हम आपकी नहीं सुनने वाले हैं, बेटर है आप सर्कमस्टेंसेस देख करके, समझ के खुद ही न्यूट्रल हो जाओ। जिस किसी भी स्थिति में हो आप उस स्थिति में न्यूट्रल हो जाओ। यू आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट विद अथॉरिटी। आप बहुत ज्यादा अथॉरिटी से बात करना बंद कर दो, लोगों के ऊपर अपना हक जताना बंद कर दो, राजा की तरह बिहेव करना बंद कर दो, एकदम मॉन्क की तरह अपना जीवन जीने स्टार्ट कर दो। जब भी सूर्य की महादशा आएगी, सबसे ज्यादा आप अपनी अथॉरिटी को कॉम्प्रोमाइज करोगे, वही कॉम्प्रोमाइज होगी, उसी तरीके के सर्कमस्टेंसेस आपके आजू बाजू में बन जाएंगे जहां आपको ऐसा लगेगा यार मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी, क्या लोग मेरी सुनते ही नहीं है, मेरी बात मानते ही नहीं, जाने दो, सोचो मत। अगर आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे तो सूर्य की जब अंतरदशा चलेगी केतु में, तो वो टाइम इजीली निकल जाएगा। अदरवाइज अपनी ईगो की वजह से चीजें ना नेगेटिव कर लोगे। देखो होगा तो नहीं वो सारी चीजें जो आप चाहते हो, क्योंकि केतु आपको ये सबक सिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, यू नो यू आर नॉट सपोज टू एक्सरसाइज योर अथॉरिटी। वो आपको बहुत क्लियरली बोल रहे हैं, अगर आप अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करोगे, अपनी अपना प्रभुत्व जमाओगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करोगे, तो आपकी कोई बात नहीं मानेगा, बेटर टू बी क्वाइट ड्यूरिंग दैट टाइम। अब जब केतु में मून की अंतरदशा आती है तो किस तरीके के रिजल्ट्स इंसान को देखने को मिलते हैं? देखो मून जो है ना वो आपके इमोशंस है, मून आपका फाइनेंस है, मून आपके रिलेशनशिप में जो एक बॉन्डिंग होती है ना किसी से, वो बॉन्डिंग है, केतु कट है, अलगाव है। यहाँ पर क्या होगा, जब केतु में मून चलेंगे इंसान को बहुत कटा कटा महसूस होगा। आपका एक ऐसा सिक्स सेंस डेवलप हो जाएगा उस ड्यूरेशन में, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा सामने वाला मेरे साथ किस तरीके का बिहेव क्यों कर रहा है, मतलब वो फेक दिखा रहा है, वो रियल है। वो चीजें आपको ना रियलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर आपको बहुत पेन होगा, आपका दिल दुखेगा, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा सामने वाले से भर जाएंगी, आपको लगेगा कि लोग मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आप एक चीज समझ रहे ना, इंसान आपको आपके हिसाब से ट्रीट नहीं करेगा, उस टाइम आपकी इमोशनल हेल्थ दांव पे लगी हुई है। मून इसके अलावा आपके ट्रेवलिंग भी है, मून आपका मनी का फ्लो भी है, तो जो फ्लो है ना मनी का वो भी हैम्पर होगा। आपको पैसों का अभाव भी केतु में जब मून चलेंगे तब फेस करने को मिलेगा। पैसा उस वक्त पानी की तरह बहेगा। आप रिश्तों पे इतना ज्यादा डिपेंड मत हो कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, वो इम्पैक्ट हो, क्योंकि जब महादशा केतु की होती है और अंतरदशा मून की चलती है तो इंसान सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकली मतलब डिप्रेस्ड हो जाता है, या सबसे ज्यादा उसकी इमोशंस पर इम्पैक्ट आता है। तो यू आर नॉट सपोज टू बी वेरी मच इंडल्ज
इमोशनली विद समवन, इस चीज का आपको स्पेशली ध्यान रखना है और पैसों का बचाव रखना है। हम बात करते हैं केतु में जब मंगल आते हैं, जब केतु में मंगल आएंगे तब क्या होगा, किस तरीके का बिहेवियर होगा। अब देखो मंगल किस किस चीज के कारक है, मंगल आपके भूमि के, मंगल आपके गुस्से के, मंगल आपके उत्साह के, मंगल आपका भाई है, मंगल आपका पति है, इन सब चीजों के कारक है। अब केतु के साथ जब मंगल आ गए, इंसान में क्या प्रवृत्ति आ जाएगी, इंसान गुस्सैल हो जाएगा। मंगल कैसे हैं, बहुत ज्यादा फास्ट एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ये है ना अग्रेसिव है एकदम, कैसे ना तुरंत के तुरंत इम्पल्सिव होकर के डिसीजंस ले लेते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो इस टाइम में आपको गुस्सा बहुत तेज आ सकता है, तुरंत किसी भी चीज का एक डिसीजन होता है वो ले सकते हैं। भाई के साथ नहीं बन सकते, हो सकता है भाई के साथ आपको कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हो कि मेरा भाई मेरे लिए ऐसा करे वैसा करे, लेकिन वो भाई आपकी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी उस टाइम में नहीं कर पा रहा है, या उसकी किसी बात से आपको इतना ज्यादा बुरा लग गया तो आपके रिलेशंस खराब हो गए। इन द सेम वे मंगल पति का भी कारक है, पति से रिलेटेड भी इश्यू एक फीमेल को बैर करने पड़ सकते हैं। आपको आपके हस्बैंड की तरफ से डिटैचमेंट, या तो आपको फील हो सकता है कि अभी मेरा मन नहीं करता, या मैं वैसा एक जो बॉन्ड है वैसा फील नहीं करती, या आपके हस्बैंड आपके साथ इस तरीके का बिहेव कर सकते हैं कि वो कटे कटे रह रहे हैं, तो आप लोगों के रिलेशन में वहाँ परेशानी आ सकती है। दूसरा क्या है, मंगल भूमि का कारक है, इस टाइम में आपको लैंड रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। जब भी केतु में मंगल की अंतरदशा चल रही है तो आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू बाय लैंड्स, क्योंकि वहाँ आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी, स्पेशली जब मरकरी भी है प्रत्यंतर दशा में, तो आप बिल्कुल ना खरीदे वरना डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम होगी। जमीन खरीदने में आपको बहुत ज्यादा, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि जहां पर आपको खरीदनी ही खरीदनी, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी दूसरे से सलाह मशवरा करके उनके ऊपर डिपेंड होकर के वो खरीदिए, अपनी ही बुद्धि पर पूरा भरोसा मत रखो, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ आपको, अगर सिर्फ आप ही इन्वॉल्व हो, कोई दूसरा है नहीं आपको मदद करने वाला, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जा सकती है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैंने इसका तो बताया आपको, जमीन का रिश्तों को लेकर के ना यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखो एनर्जी वो आपकी है, केतु की महादशा आपकी चल रही है, आपके भाई की आपके पति की नहीं चल रही है, तो आपको जब पता है कि आपकी एनर्जीज वैसी एक्टिवेटेड हैं जहां आपको आपके भाई से डिटैचमेंट हो सकता है, आपको अपने हस्बैंड से डिटैचमेंट हो सकता है, तो आप खुद भी उस चीज को थोड़ा इग्नोर करो। यहाँ पर आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, आपको छोटी छोटी बातों को अवॉइड करना है, आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, जो इस टाइम में बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा। आपको कभी उतनी तेज गुस्सा नहीं आएगी जितनी गुस्सा इस ड्यूरेशन में आएगी, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं केतु में राहु। अब देखिए ये दो ऑपोजिट एनर्जी काम करिए, केतु में राहु की अंतरदशा। जब केतु में राहु की अंतरदशा आएगी, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग टाइम होगा आप लोगों के लिए। एक तरफ क्योंकि क्योंकि क्या है ना, दो ऑपोजिट एनर्जीज हैं, मैंने जैसे बताया कि राहु केतु के एक्सिस पर ही हमारी लाइफ काम करती है। केतु आपकी पास्ट लाइफ की डिजायर्स है, या पास्ट लाइफ के वो कर्माज हैं जो आप कर रहे थे। राहु आपकी इस प्रेजेंट लाइफ की डिजायर है। राहु आपको बोलते हैं कि आपको ये काम करना है, केतु बोलते हैं आप ये काम करके आ चुके हो। केतु एक तरफ आपको एक चीज से डिटैच करते हैं, और राहु वहीं आपको दूसरी चीज से अटैच करते हैं। और स्पेशली राहु इज अ मटेरियलिस्टिक प्लैनेट, केतु इज अ नॉन मटेरियलिस्टिक प्लैनेट। केतु बिल्कुल मॉन्क है ना, साधु सन्यासी वाली जो एनर्जी, जिनको कुछ नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, तभी तो वरण कारक अवस्था होती है 4th हाउस और 2nd हाउस में केतु की, क्योंकि ना उनका परिवार है, ना उनको घर के सुख से, वाहन से, भवन से कोई मतलब है, क्योंकि वो तो एक मॉन्क है। वही उल्टा राहु जो है, उनको घर भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स भी बहुत हाई है। राहु एक्सपेंशन है, किसी भी चीज को फैला देता है। तो यहाँ पर जब दो ऑपोजिट एनर्जीज काम करेंगी, तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग टाइम होगा किसी के लिए भी। आपका ना मन दो तरीके की, ना कहते ना दो नाव में सवार होगे तो नाव जरूर डूब जाती है, तो यहाँ पर वही केस होता है। यहाँ पर राहु तो आपके मन में भ्रम भी डालेंगे, छल भी करेंगे, राहु छलावा भी है, आपको डिजायर ऐसी पैदा करेंगे कि आप कभी, शायद ऐसा हो सकता है कुछ गलत काम करने के लिए भी आपके मन में एक थॉट आ जाए कि चलो मैं कर लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है पैसे के लिए। वहीं दूसरी तरफ आपका मन आपको रोकेगा, नहीं यू आर नॉट सपोज टू डू, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने आजू बाजू के जितने भी लोग हैं ना, सब झूठ लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको अपना नहीं है। आपको कहते हैं ना भीड़ में भी अकेलापन महसूस होना, आपको वो सिचुएशन आपकी डेवलप हो जाएगी, आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाओगे, भरोसा होगा नहीं, क्योंकि राहु छलावा है। केतु क्या है, केतु एक प्योरिटी है, केतु माइक्रो है और
राहु मैक्रो है, कहाँ एक तरफ डिजायर जाएगी बड़ा सोचने की, दूसरी तरफ मन बोलेगा बहुत छोटा, क्योंकि केतु है ना श्रिंक करता है किसी भी चीज को और राहु फैलाता है। जैसे राहु आपकी एंट्री गेट है और आपका जो एग्जिट गेट है वो केतु है, तो एक एंट्री का जो आपका जो एंट्री गेट है वो और केतु जो आपका एग्जिट गेट है वो कभी एक नहीं हो सकते। तो ये दो एनर्जीज है ना इतनी ऑपोजिट हैं कि इसमें परेशानी किसको हो रही है, उस नेटिव को हो रही है जिसकी केतु में राहु की अंतर्दशा चल रही है, उस नेटिव को ये परेशानी है। इसमें आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि यू हैव टू ब्रिंग कंट्रोल, क्योंकि देखो बॉस इज केतु, उसके अंडर काम करने आया है राहु थोड़े दिनों के लिए, तो राहु तो धोखा देगा, राहु तो आपको दिमाग में भ्रम पैदा करेगा, बट यहाँ पर आपको मानसिक संतुलन लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस इंसान ने इस चीज को अचीव कर लिया कि मेरे केतु में अभी राहु की अंतर्दशा चल रही है, अगर मेरे मन में कोई गलत ख्याल आता है कुछ गलत काम करने का, तो आई एम नॉट सपोज टू डू, इस टाइम में आपको अपनी बुद्धि का, विवेक का, चेतनता का प्रयोग जरूर करना है। वो कैसे आएगी, द मोर यू आर स्पिरिचुअल द मोर यू आर सेव्ड बाय केतु। आपको जितना स्पिरिचुअल आप हो जाओगे उतना ही ज्यादा आपको केतु से संरक्षण मिलता जाएगा। केतु आपको, आपको एक चीज और मैं बता दूं, जब आपकी केतु की महादशा खत्म होगी ना, केतु की महादशा आपके जिंदगी में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ जाएगी, ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखा देगा ये जो 7 साल का जो समय है, कि आपको जीवन के सही मायने समझ में आ जाएगा, आपको सब ये समझ में आ जाएगा क्या सच है इस दुनिया में, क्या झूठ है, हम किस चीज के लिए आए हैं, हमको करना क्या है, हम किस चीज के लिए भाग रहे हैं, क्या गलत है क्या सही है, हर एक चीज की क्लियर पिक्चर आपके सामने होगी। लेकिन ये जो क्लैरिटी है ना, ये तभी आएगी जब आप अपने केतु की महादशा में केतु की एनर्जी का सही इस्तेमाल करना सीख जाओगे, सही प्रयोग करोगे। केतु स्पिरिचुअलिटी है जैसे मैंने बताया, मेडिटेशन है, अपने अंदर जाने की क्षमता है। केतु तभी तो बोलते हैं ना, आपका रूट चक्रा, आपका बेस केतु है। मेडिटेट करोगे ना, यू हैव टू ट्रेवल इन टू योर बॉडी। अब हम बात करते हैं कि केतु की महादशा में जब जुपिटर की अंतर्दशा आती है तो इंसान में किस तरीके के चेंजेस आते हैं। अब देखिए, केतु में जब जुपिटर की अंतर्दशा आएगी तो ये इंसान को बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, डीप रिसर्च करने वाला, किसी भी ज्ञान की तलाश में, गुरुओं की तलाश, उस तरीके की चीजों को इनवाइट करेगा आपके लाइफ में। आपको गुरु की तलाश होना शुरू हो जाएगी। आप किसी भी मिस्ट्री को, किसी भी ज्ञान को जब पाओगे ना, तो उसमें बहुत गहराई से घुसने की आपको चाहत हो जाएगी। गुरु और केतु जब आपस में मिलते हैं तो इंसान में एक ऐसी प्रतिभा पैदा कर देते हैं कि इस इंसान को किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। इस इंसान के अंदर इतनी अंतरदशाएं देखने के बाद वो क्लैरिटी आ जाती है, स्पेशली जब भी केतु में से राहु होकर के जाते हैं, तभी इंसान को वैसी क्लैरिटी दे देते हैं कि इनको अपने जीवन में क्या करना है, जीवन जीने की जो एक दिशा है, वो मार्गदर्शन है, वो इनको जुपिटर जब इनके अंतरदशा में आते हैं तो मिल जाता है। बट उसके लिए एक ही शर्त है कि जब केतु में राहु होंगे तो जो मैंने आपको बताया, अपने दिमाग पे आपको कंट्रोल रखना है। अगर आपने वो रख लिया, आपको समझ में आ गया कि केतु इज अ बॉस, केतु की एनर्जी के साथ हमको अपनी एनर्जी अलाइन करनी है, ना कि राहु की एनर्जी के साथ। राहु तो क्षणिक है, वो आए हैं और वो चले जाएंगे अभी। अब जब उसके बाद जुपिटर आएंगे तो वो आपको ज्ञान देंगे, आपको कैसा करना है क्या करना है, आपके अंदर वो क्षमताएं ऑटोमेटिकली पैदा हो जाएंगी कि आप अपनी हर परिस्थिति से, अपनी हर लड़ाई को लड़ने के लायक हो जाओगे। अब जब जुपिटर जाएंगे तो फिर वो शनि आएंगे, और शनि आपको पता है न्याय के देवता है, वो जस्टिस करते हैं, कर्मों का जो भी हिसाब किताब है इस जीवन में वो सब शनिदेव के हाथों में। अब जब केतु की महादशा चली थी, राहु ने आपको भ्रमित करने की कोशिश की थी, आप भ्रम में नहीं फंसे थे, आप भ्रमित नहीं हुए थे, उसकी वजह से क्या हुआ, जब जुपिटर की अंतरदशा आई तो आपको वो ज्ञान मिला, आपको वो समझ आई कि किस तरीके से आप अपने आप को इन परिस्थितियों से लड़ सकते हैं और इनसे निकाल सकते हैं। वो ज्ञान आपका जुपिटर की अंतरदशा में आ गया और आपने सही रास्ता भी चुना। तो जब आपने कर्म अच्छे किए हैं तो आपको क्या लगता है, आपको सजा मिलेगी क्या? शनिदेव क्या करेंगे, शनिदेव आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। केतु में जब शनिदेव की एंट्री होगी तो वो जो आप कर्म करते आए हो, जितने भी आपने कष्ट सहे हैं केतु की दशा में, लेकिन आपने केतु की जो मेन एनर्जी है, जो फोकस्ड एनर्जी है, उससे आप अलग नहीं हटे हो, आप अलग नहीं हुए हो, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी रिवॉर्डेड बाय शनिदेव। शनिदेव आपको उसका रिवॉर्ड देने वाले हैं। तो हमेशा रेडी रहना कि जब भी शनिदेव आएंगे तो आपने जिस तरीके के भी कर्म किए उसके हिसाब से ही आपको
अच्छा या बुरा रिवॉर्ड मिलेगा। अब देखिए शनिदेव और क्या करेंगे, शनिदेव इंसान की आध्यात्मिक तरक्की करेंगे, क्योंकि गुरु ने आपको ज्ञान दे दिया, अब शनिदेव आपको आध्यात्मिक लेवल पर ऊपर बढ़ाएंगे, क्योंकि केतु केतु भी तो वही आध्यात्मिक एनर्जी, आप उसको रिटेन करते आए हैं, तो रिवॉर्ड में आपको अभी वही मिलने वाला है। शनिदेव आपको उस चीज में मदद करेंगे, जितने भी भ्रम राहु ने डाले थे, या केतु में जब केतु की अंतर्दशा चली थी, या केतु में जब मून आए थे, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, आपके मेंटली आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, वो सब निकल जाएंगे। यहाँ पर शनिदेव आपको हर भ्रम से, हर डर से एकदम निकाल लेंगे, निडर बना देंगे, इंसान को डर ही नहीं लगेगा। केतु देखिए ध्वज भी होता है, फ्लैग भी होता है, शनिदेव आपके प्रोफेशन का कारक है, तो ये ड्यूरेशन में आपको अपनी प्रोफेशनल सक्सेस मिल सकती है। यू मे गेट सम यू नो लेवल, या तो जो देखो गवर्नमेंट में जो फ्लैग होता है, फ्लैग किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी किसी विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, आपको कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है आपकी गाड़ी पर, या मतलब कोई ऐसा ध्वजा हो, फ्लैग हो, या फिर आपको एक ऐसा लेवल मिल सकता है विच शोज योर विक्ट्री, यस यू डिड इट इन योर लाइफ, यू वर ट्राइंग वेरी हार्ड, आपने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी उसके लिए फेस की, बट अभी आपको वो चीज प्राप्त हो गई, मिल गई। वो होता है जब केतु में शनिदेव की अंतरदशा चलती है तब। अब हम बात करेंगे केतु में मरकरी की अंतरदशा आएगी। अब मरकरी हम सबको पता है, मरकरी की महादशा से निकलने के बाद केतु की महादशा में आपने प्रवेश किया था, अब आपके केतु की महादशा में मरकरी की अंतरदशा आ रही है, तो वापस वो अंतर द्वंद आपका चालू होने वाला है, क्योंकि अभी तक आपने बहुत सात्विक जिंदगी जी ली, शनि देव ने भी आपको सक्सेस दे दी, आपको जुपिटर ने ज्ञान दे दिया, सब कुछ हो गया, अब क्या हुआ, मरकरी आया, मरकरी ने अपना लॉजिक लगाया, वापस से फ्रेंड सर्कल, बातें करना, घूमना फिरना, मस्ती करना, मजाक करना, इन सारी चीजों का एटमॉस्फेयर, ये सारी जो चीजें ना, ऐसे एटमॉस्फेयर में आप वापस से फंसोगे, वो सारी चीजें आपके पास आएंगी। लेकिन आपको किस चीज का ध्यान रखना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है लॉजिक है, लॉजिकली इंसान को काम करना चाहिए, पर्सन हैज टू बी प्रैक्टिकल, लेकिन एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है जो सबको समझ लेनी है, कि जब कोई प्रैक्टिकल इंसान किसी को मूर्ख बोले, स्पेशली द पर्सन हु इज केतु ड्रिवन, हु इज वेरी न्यूट्रल इन ईच एंड एवरी स्टेट, अच्छा हुआ तो भी ठीक, बुरा हुआ तो भी ठीक, अच्छा और बुरा वो आपकी डेफिनेशन है उस इंसान की, नहीं ही इज न्यूट्रल, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो हो रहा है ठीक है, वो समझ रहा है कि मेरा जो कर्म है, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, जो भी मुझे मिल रहा है ठीक है, होगा कोई रीजन, ये सोच के वो छोड़ के सिर्फ अपने कर्म को कर रहा है, तो एक प्रैक्टिकल आदमी तो उसको मूर्ख बोल सकता है, लेकिन जैसे मैंने बताया वही आपके मोक्ष का बीज है, डल रहा है, तो इस टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि वापस आपके जीवन में उस तरीके के लोग आएंगे, उस तरीके के दोस्त आएंगे, उस तरीके का माहौल आएगा, आपको अपनी एनर्जी को कैसे संतुलन में रखना है वो आपके लिए सबसे बड़ा टास्क होगा, क्योंकि अभी आप आध्यात्मिक उन्नति की तरफ हो, शनि देव ने आपको आध्यात्मिक लेवल पर उन्नत कराने के लिए प्रोत्साहित किया है, अब ये आपके आपका काम है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। अब इसके बाद आएगा केतु में वीनस, अब देखो मेन जो लड़ाई है ना वो यहाँ स्टार्ट होगी, केतु में जब वीनस आते हैं, वीनस आपका मटेरियलिज्म भी है और वीनस आपकी एक हाई स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, बिना वीनस के आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते हो, वीनस हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, क्योंकि देखो वीनस ना आपकी विलासिता है, आपका भोग है, आप एक ही तरफ उसकी, वीनस के देखो दो एनर्जी है, एक एनर्जी है जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को शो करती है, एक एनर्जी है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को शो करती है, आइदर यू कैन बी मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं जा सकती हैं। हाँ एक चीज जरूर है कि जब आप स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो करते हो तो फर्स्ट यू नीड टू बी मटेरियलिस्टिकली साउंड, अगर आप साउंड नहीं होगे, पैसा नहीं होगा, आप अपने उन सारी चीजों की ही चिंताओं में लगे रहोगे, तो स्पिरिचुअली कैसे ग्रो करोगे, स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए आपको मटेरियलिस्टिक आपकी जो नीड्स हैं वो अकम्प्लिश होना बहुत जरूरी है। जब केतु में वीनस आते हैं तो इंसान की सबसे बड़ी जो लड़ाई होती है ना वो उसकी आध्यात्मिक और भौतिक, ये जो दो नीड्स है ना उनके ऊपर होती है, अब उसको ये समझ में नहीं आता है, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, सैटर्न ने उनको आध्यात्मिक भी बना दिया, मरकरी के अंतरदशा से भी वो निकल गए, वो वापस से उस सर्कल में नहीं फंसे, घूमना फिरना मस्ती मजाक, जो मरकरी और बहुत ज्यादा लॉजिक यूज नहीं किया, इज जस्ट स्पिरिचुअल, द पर्सन इज वेरी स्पिरिचुअल, लेकिन अब जो ये लड़ाई आई है ना जहाँ उनको मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों के बीच में किसी एक चीज को चुनना है, तो यहाँ यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको किस तरीके से अपने जीवन को आगे जीना है, क्योंकि देखो जीवन ना एक जीने की कला है,
इंसान किस तरीके से अपने जीवन को जी रहा है, ये एक बहुत बड़ी आर्ट है। अब जब आपको एक ऐसी एनर्जी मिली है जहाँ आप आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से दोनों तरीके से सक्षम हो, आपको किसी एक को चुनना है तो आपको एक बैलेंस्ड वे चुनना होगा। क्योंकि अगर आप एक फैमिली लाइफ में हो तो आपको मटेरियलिस्टिक चीजें भी चाहिए, आपको अपनी खुद की ग्रोथ के लिए, क्योंकि केतु, जैसे मैंने बताया, सूक्ष्म आत्मा जो हमारी है वो केतु है, आपको उसको जीने के लिए भी स्पिरिचुअलिटी चाहिए, आपको उसको भी जीवन देना है, आपको उसको भी आगे ग्रो करना है, तो आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर विरक्त होकर के भी, आसक्त और आसक्त होते हुए भी विरक्त, वो वाली चीज आपको अपनानी है। ठीक है, आपके पास मटेरियलिस्टिक चीजें हैं सारी, आपके पास हर एक चीज है, बट यू आर नॉट सपोज टू एंजॉय, या फिर आपको उसमें आसक्ति नहीं होना कि ये है मुझे और हो और हो और हो। ठीक है, जो है वो है, ठीक है, वो हमारे कंफर्ट के लिए, हमारे आराम के लिए चीजें बनी है, हम उस लायक हो गए हैं या केपेबल है, ईश्वर ने हमको बनाया है, तो ठीक है वो चीज है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना है। अगर आप इस चीज को ध्यान में रखते हो, अपने केतु में वीनस के अंतर दशा को निकालते हो, तो ये दशा भी आपके लिए, ये ड्यूरेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी जाने वाली है। तो एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने केतु में जितनी भी प्लैनेट्स हैं उनकी अंतर दशाएं आएंगी तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो, तो वो सारे आज हमने डिस्कस किए थे और उनके सॉल्यूशंस भी क्या हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ काली।